अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ वाज यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 37। स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 4, फिजिकल फीचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। वी हैव रेड इन दिस चैप्टर अबाउट माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा, सीज एंड ओशंस ऑल्सो। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ फिजिकल फीचर्स चेंज। फिजिकल फीचर्स हमने तकरीबन सारी पढ़ ली हैं, आज हम पढ़ेंगे हाउ फिजिकल फीचर्स चेंज। फिजिकल फीचर्स जो ज़ाहरी शक्ल व सूरत है अर्थ की, ज़मीन की, और इस चैप्टर में हमने मुस्लिम वर्ल्ड की पढ़ा था, मुस्लिम दुनिया की ज़ाहरी शक्ल व सूरत, उसमें माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सीज एंड ओशंस एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये चेंज किस तरह होती हैं, इनमें तब्दीली कैसे आती है, वो हम सारी डिटेल यहाँ पढ़ेंगे। लाइक एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, फिजिकल फीचर्स ऑल्सो चेंज। दुनिया में जिस तरह से और चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फिजिकल फीचर्स जो है वो भी चेंज होती रहती हैं। दिस चेंज हाउएवर इज़ यूजुअली वेरी स्लो एंड देयरफॉर इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू नोटिस इट। लेकिन और तमाम चीज़ें बाज़ों का दुनिया में तब्दीली बहुत तेज़ी से आती है कई चीज़ों में, लेकिन जो फिज़िकल फीचर्स हैं इनकी तब्दीली बहुत स्लो होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इनमें चेंज आता है, और इसी वजह से अक्सर हम इसको नोटिस भी नहीं कर पाते कि किस तरीके से और कब उसमें तब्दीली आ गई है। देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू चेंजेस इन द फिज़िकल फीचर्स ऑफ अ लैंड। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से अनासिर हैं जो फिज़िकल फीचर्स की तब्दीली में, चेंजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। फैक्टर्स, वो फैक्टर्स कौन से हैं? सच एज विंड, हवा है, वाटर, पानी, वोल्केनोज, आतिशफिशां, अर्थक्वेक, जलजिला, एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़, और उसके साथ साथ जो इंसानी सरगर्मियां हैं, इंसान जो अमल करते हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं इस चीज़ के अंदर। फिज़िकल फीचर्स को चेंज करने में उनका भी काफ़ी हद तक अमल होता है। वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं, विंड, वाटर, वोल्केनोस, ये किस तरीके से असरअंदाज होती हैं चेंजिंग्स में। सबसे पहले विंड के बारे में पढ़ेंगे। द विंड ट्रेवल्स एट अ फास्ट स्पीड एंड इरोड्स और कट्स अवे रॉक्स। हवा जब बहुत तेज़ी से, तेज़ स्पीड में चलती है तो वो एरोड करती है। एरोड होता है जैसे रगड़ खाकर ख़त्म कर देना या मिट जाना आहिस्ता आहिस्ता से, और कट्स अवे द रॉक्स, या फिर ये कि चट्टानों को काट देती है। इट ऑल्सो कैरीज विद इट स्मॉल रॉक्स, रॉक पार्टिकल्स विद विच आर डिपॉजिटेड इन द डेजर्ट्स ऑफ फार ऑफ रीजन्स। और हवा जब चलती है तो उसके साथ साथ जो है चट्टानी, जो चट्टानों के टूटे हुए जर्रे और रेत के ज़र्रात जो हैं वो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ साथ, और वो आगे जब वो हवा अपने साथ लेके जाती है तो कहीं दूर दराज सहराओं में, दूर दराज इलाकों तक जो है वो पहुंचा देती है, वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। इट मे बी पॉसिबल टू फाइंड सैंड पार्टिकल्स इन द डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका दैट मे हैव स्टार्टेड एज अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ चाइना। ये भी मुमकिन होता है बाज़ोकात कि अगर हमें अफ्रीका के जो डेजर्ट हैं, अफ्रीका के जो सहरा हैं, वहाँ पर जो रेत के ज़रात मिलते हैं, दर हकीकत वो चाइना की जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ से के होते हैं। वो किस तरह से कि जब हवा उस साइड से चलती है तो वहाँ से चाइना की जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से हवा चलते हुए अपने साथ वहाँ के ज़रात, वहाँ की चट्टानों को तोड़ती हुई, उनसे रगड़ खाते हुए उसके ज़रात जो हैं वो साथ साथ उस हवा के चले जाते हैं और वो अफ्रीका के जो है सहरा तक पहुंच जाती है हवा के साथ साथ वो ज़रात। विंड एंड वाटर आर कॉल्ड द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ चेंज बिकॉज दे एक्ट ऑन फिजिकल फीचर्स फ्रॉम द आउटसाइड और एक्सटर्नली। हवा और पानी जो हैं उनको बैरूनी अनासिर कहते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स। बैरूनी मतलब बाहर की तरफ से तब्दीली लाने में जो अनासिर काम करते हैं उनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अंदर से अमल करते हैं, अंदरूनी उनका काम होता है, और कुछ बाहर से करते हैं। हवा और पानी जो हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स कहलाते हैं, बैरूनी अनासिर कहलाते हैं, यानी जो बाहर से फिजिकल फीचर के ऊपर जो काम अमल करते हैं वो आउटसाइड करते हैं, बाहर की तरफ से। अब ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है बुक पे, ये सी व्यू की साइड है, कराची का जो समंदर है वहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट है कराची का, और इसको पैराडाइज पॉइंट कहते हैं।
पढ़ लेते हैं इसको. विंड एंड वाटर आर द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ चेंज, बैरूनी अनासिर हैं हवा और पानी. दिस फेमस पिकनिक पॉइंट नियर कराची नोन एज पैराडाइज पॉइंट, ये वाला जो पिकनिक पॉइंट है इसको पैराडाइज पॉइंट कहते हैं. ओज इट्स पेक्यूलर शेप टू बोथ विंड एंड वाटर, इसकी जो मखसूस शक्ल आपको नजर आ रही है ये एक रॉक है समंदर के दरमियान जो कि बीच में इसके होल हो गया है, और ये इस वक्त जितना होल नजर आ रहा है पहले इतना नहीं था बल्कि छोटा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये होल बढ़ते 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 इतनी ज्यादा स्पेस हो गई है बीच में. और ये दोनों चीजें जो हैं उनकी वजह से ये हुआ है. कौन सी दोनों चीजें? विंड भी, हवा और पानी. दिस होल माइट हैव बीन फॉर्म्ड फर्स्ट बाय द फोर्स ऑफ वाटर, ये भी हो सकता है कि पानी का जो समंदर की लहरें आती हैं वो जोर से इससे टकराने की वजह से इसके अंदर होल हो गया हो, ठीक है. और द प्रेशर ऑफ द विंड, या फिर ये कि हवा जब यहां समंदर पर तेज जोर से प्रेशर से चलती है तो हवा के टकराने से भी इस चट्टान के अंदर इस तरह से होल हो गया है. द साइज ऑफ द होल केप्ट इंक्रीजिंग एज द टू एजेंट्स ऑफ चेंज कॉन्टिन्यू टू इरोड द रॉक. रॉक ये जो चट्टान का होल है ये पहले इतना नहीं था, कम था, अब रफ्ता रफ्ता इतना हो गया है और अब ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, होल बड़ा होता जा रहा है. और जाहिर है इसके ऊपर दोनों एजेंट्स काम कर रहे हैं, पानी का प्रेशर भी है, पानी की लहरें आकर टकराती हैं उससे भी चट्टान जो है वो इरोड हो रही है, यानी से रगड़ खाकर टूटती है, खत्म होती है इसके साथ ही, और हवा का प्रेशर भी है वो भी इसको उस जो है वो चट्टान को तोड़ने में अमल करता है. तो इस तरह से ये दोनों एक्सटर्नल एजेंट्स हैं. ये आपको एक एग्जांपल भी नजर आ रही है पैराडाइज पॉइंट की, कि ये होल पहले बहुत छोटा था फिर अपना इतना ज्यादा हो गया और आगे आगे आहिस्ता मजीद ये इससे बड़ा भी हो सकता है क्योंकि रेगुलरली यहां पर कॉन्टिन्यूसली पानी और जो हवा है उनका वो इसको इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और इससे इसमें कट पड़ रहा है और ये होल बड़ा होता जा रहा है, ठीक है जी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर. वाटर किस तरह से फिजिकल फीचर को चेंज करने में असरअंदाज होता है, एक तो यही है जो हमने यहाँ एग्जाम्पल पढ़ ली है पैराडाइज पॉइंट की. वाटर कैन चेंज द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन इन मैनी वेज, कई तरीकों से पानी जो है वो ज़ाहिरी शक्लो सूरत को तब्दील करता है. रिवर्स कैन कट थ्रू माउंटेन्स फॉर्मिंग वैलीज एंड पासिस, दरिया जो हैं वो चट्टानों से पहाड़ों से रास्ता बनाकर निकलते हैं फॉर्मिंग वैलीज, और जब बहते हुए गुजरते हैं तो रास्ते में फिर वादियां बन जाती हैं, जरखेज़ वादियां, पानी इरिगेट करता है, सैलाब करता है इलाकों को और वहां पर वादियां बन जाती हैं, एंड पासेज और रास्ते बन जाते हैं. इन द सेम वे सीज कैन चेंज द शेप ऑफ कोस्टल लैंड, इसी तरीके से जो समंदर हैं वो शहरी इलाकों की जो शक्ल है शेप है उसको चेंज कर देते हैं. For thousands of years, rivers have been carrying silt or soft soil from mountains and depositing it on plains. हजारों सालों से दरिया जो पहाड़ों से बहते हुए आ रहे हैं तो अपने साथ साथ वो मिट्टी बहाकर ले आते हैं, पानी के साथ पहाड़ों की मिट्टी साथ आती है, एंड डिपॉजिटिंग इट ऑन प्लेन, और जब वो मैदानों से गुजरता है पानी तो वो मिट्टी जो है जो पहाड़ों से बहती हुई आती है उनके साथ वो मैदानों में उसकी तह उसकी लेयर जम जाती है. That is why the land around rivers in the plains is always very fertile. और यही रीजन है कि जो दरियाओं के इर्द गिर्द की जमीन होती है मैदान है वो बहुत जरखेज होते हैं, इसलिए कि जाहिर है पहाड़ों से पानी बहता हुआ उन दरियाओं की तरफ आता है उन मैदानों में से गुजरता है तो वहां पर जो मिट्टी है वो बहुत जरखेज हो जाती है, इसलिए कि उस पानी के साथ जो पहाड़ों से आ रहे हैं उसमें साथ साथ जो फर्टाइल सॉइल उसके साथ बहकर आती है उसकी वजह से फर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है. If this covering of fertile soil is removed from fields, then the infertile rocky desert may be exposed, thus destroying the fertile fields. अगर ये जो कवरिंग है मैदानों के ऊपर जो तह मिट्टी की जम जाती है दरिया का पानी बहता हुआ आता है और उससे तहें जम गई हैं, अगर इस कवरिंग को उतार दिया जाए इस जरखेज मिट्टी को उखाड़ दिया जाए यहां से रिमूव कर दिया जाए खेतों में से, देन इनफर्टाइल रॉकी डेजर्ट में भी एक्सपोज, तो फिर उसके नीचे से जो है वो गैर जरखेज चट्टानी सहरा जो है वो निकल आएगा और इस तरीके से जो मैदान है खेत हैं वो तबाह हो जाएंगे. देन वोल्केनोस, वोल्केनोस कहते हैं आतिशफिशा को. इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज अ बॉल ऑफ फायर, बिल्कुल स्टार्ट में जो ये एक कॉन्सेप्ट है नजरिया है कि दुनिया कैसे वजूद में आई तो उसके लिए कहा ही जाता है कि जो इब्तिदा थी उसमें ये थी कि ये जो प्लैनेट अर्थ है ये आग का एक गोला था,
एक पूरा का पूरा आग, जैसे हमें सन नजर आता है ना कि वो सिर्फ हीट है, आग का गोला है, इसी तरह से जो अर्थ प्लैनेट है वो भी इसी तरह से आग की एक बॉल थी. इट वॉज सो हॉट दैट एवरीथिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ गैसेज, और ये इतना गर्म था कि हर चीज जो है वो गैसेज की शक्ल में थी, धुएं की तरह. देन द गैसेज कूल डाउन इंटू लिक्विड्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये गैसेज हैं प्लैनेट अर्थ की, ये ठंडा होना शुरू हो गई और ठंडी होकर लिक्विड्स में चेंज हो गई. एंड फाइनली द आउटर लेयर्स ऑफ द अर्थ बिकेम अ सॉलिड कवर और क्रस्ट, और फिर ठंडा होते होते जो जमीन की ऊपर की सतह है वो एक सॉलिड हो गई, ठोस शक्ल में आ गई, एक क्रस्ट की शक्ल सतह बन गई. ऑल आर लैंड एंड सीज आर लाइंग ओवर दिस सॉलिड लेयर और क्रस्ट, और हमारे जितने भी दरिया हैं, समंदर हैं, जमीन, मैदान, ये सब इस जमीन की सतह के ऊपर ऊपर हैं. बट डीप डाउन इन द सेंटर आर अर्थ स्टिल हैज दैट फायर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एंड अ वेरी हॉट लिक्विड मैटर कॉल्ड मैग्मा. लेकिन ये ऊपर की सतह तो हमें नजर आ रही है जिसके ऊपर जमीन हमें दिखाई देती है, मैदान है, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, लेकिन अगर जमीन के नीचे जाएं, तह के नीचे जाएं, सेंटर में, तो वहां अभी भी गैसेस हैं, गर्म शदीद गर्म गैसेस हैं और लिक्विड है गर्म जिसको मैग्मा कहा जाता है. वेन एवर मैग्मा फाइंड्स अ क्रैक इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट स्पर्ट्स अपवर्ड्स एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज फाउंटेन्स. और ये मैग्मा जो अंदर लावा है जमीन की तह में पक रहा है, हीट की वजह से गैसेज हैं वहां पे शदीद, और जब भी इस लावे को, इस मैग्मा को जमीन की सतह में कहीं क्रैक नजर आता है, वहां से वो फट के स्पर्ट्स करके बाहर ऊपर की तरफ आ जाता है एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज फाउंटेन्स, जैसे बड़े बड़े फवारे होते हैं और बड़े बड़े शावर्स होते हैं जो चल रहे होते हैं प्रेशर से, और उसी तरीके से ये लावा जो है फटता हुआ बाहर प्रेशर से बाहर निकल आता है. मैग्मा दैट हैज कम आउट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. एट दैट पॉइंट इट यूजली इंक्लूड सम अदर मटेरियल्स टू. ये जो मैग्मा क्रैक्स में से निकल आता है बाहर, इसको लावा कहते हैं. एट दैट पॉइंट इट यूजली इंक्लूड्स, उस वक्त जब ये निकलता है बाहर, इसके अंदर और भी कई तरह का मटेरियल होता है, सच एज एशेज ऑफ ट्रीज दैट हैव बर्नड इनटू इट और सम सॉइल. ये जो मैग्मा है, लावा है, इसके अंदर एशेज ऑफ ट्रीज, ट्रीज की राख और होती है जो इसके अंदर जल के बिल्कुल मैग्मा में तब्दील हो चुकी होती है, या इसके निकलने से जब प्रेशर से ये पकता हुआ उबलता हुआ लावा निकलता है तो वहां जो ट्रीज हैं वो जल के राख हो जाते हैं. उसके साथ साथ सम सॉइल मिट्टी भी होती है जो नीचे से उस लावे के साथ तह में से बाहर आ जाती है. द लावा इज सो हॉट दैट इट बर्न्स डाउन एवरीथिंग इट टचेस, इवन वाटर इज इवेपोरेटेड एज इट्स टच. ये लावा जो होता है इस कदर शदीद गर्म होता है कि हर चीज जो इससे टकराती है, इसको टच करती है, वो जल के खत्म हो जाती है. इवन वाटर इज इवेपोरेटेड, हत्ता कि पानी अगर इसके साथ जरा सा टच करे तो उसी लम्हे वो उसको वो इवेपोरेट कर जाता है, बुखारात बन के खत्म हो जाता है. लेटर द लावा कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स वेरी फर्टाइल सॉयल. लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब यही लावा जो है वो ठंडा हो जाता है तो ये जरखेज मिट्टी में तब्दील हो जाता है. प्लेसेस फ्रॉम वेयर मैग्मा कम्स आउट आर यूजुअली वोल्केनोस और माउंटेन्स विद अ डीप एम्प्टी वेल इन द मिडल दैट गोज डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो जगह जहां से ये मैग्मा बाहर निकलता है, ये आतिशफिशां होता है, और माउंटेन्स विद डीप एम्प्टी वेल, और या फिर वो पहाड़ होते हैं जब लावा निकलने के बाद एक खाली कुआं सा जो है वो बन जाता है जो बिल्कुल नीचे जमीन की तह तक, सेंटर तक गया होता है. इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री फेमस फॉर इट्स वोल्केनोज. मुस्लिम ममालिक में इंडोनेशिया एक मुल्क है, मशहूर मुल्क है, जो अपने इसी आतिशफिशां वोल्केनोज की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है. यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ हैं ऐसे जिसमें जो आतिशफिशां के पहाड़ हैं और वहां से ये लावा जो है वो निकलता है. वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स बिलो आर कॉल्ड द इंटरनल एजेंट्स ऑफ चेंज बिकॉज दे एक्ट ऑन फिजिकल फीचर्स फ्रॉम द इनसाइड. आतिशफिशां जो है, जो अभी हमने सारा पढ़ा है, एंड अर्थक्वेक्स जलसला जिसे कहते हैं, वो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है. ये दोनों जो हैं ये इंटरनल एजेंट्स कहलाते हैं, ये अंदरूनी अनासिर हैं, क्योंकि बिकॉज दे एक्ट ऑन फिजिकल फीचर्स फ्रॉम द
इनसाइड, क्योंकि ये ज़मीन के किसी भी चीज़ की जो है वो अंदर से, बेसिकली ये ज़मीन के अंदर से एक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन था, कल मैंने आपको थर्ड करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। इसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन है कि शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए दे रही हूँ कि मे बी मिसिंग है या फिर नहीं हो सका तो आप इसको अब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वेयर इज़ द सहारा डेजर्ट एंड वाई इज इट फेमस। सहारा डेजर्ट कहाँ है और ये क्यों मशहूर है, ये हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ लिया था। इसके ऊपर आ जाते हैं हम पेज नंबर 33। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड कवर्स मोर देन 25% ऑफ अफ्रीकाज टोटल एरिया। इट इज बिलीव टू हैव बीन अ फर्टाइल लैंड लॉन्ग अगो एंड ग्रेजुअली टर्न इन टू अ डेजर्ट एज द क्लाइमेट चेंज एंड पीपल फेल टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। द सॉइल इज स्टिल फर्टाइल बट ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो देयर ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश वाटर। द नाइल वैली, अच्छा यहाँ पर ये जो और लिखा है ये काट दे सेंटेंस, और द नाइल रिवर। द नाइल वैली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सहारा बट इंस्टेड ऑफ बींग अ डेजर्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स इन द वर्ल्ड एज इट इज इरीगेटेड बाय द ग्रेट नाइल। स्मॉल ओएसिस एग्जिस्ट थ्रू आउट द सहारा। यहां तक लगाएंगे आंसर, एक दो सेंटेंस ही शॉर्ट करेंगे अदरवाइज पूरा आएगा। और उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में मोरक्को, मोरक्को से शुरू करेंगे। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान एंड सम अदर कंट्रीज शेयर दिस वास्ट डेजर्ट। ओके, थोड़ा सा मैं कटिंग बस इसमें करवा रही हूँ बट इट इज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट ऑब्टेन वाटर। यहां से ये दो लाइनें काट दें। क्लियर? ठीक है, यहां पर सिर्फ ओवर द सी नियर द नाइल रिवर ये काटेंगे जो ब्रैकेट में लिखा है, और उसके बाद बट से डीप तक ये दो लाइनें काटेंगे। क्लियर? सहारा तक लिखने के बाद मोरक्को से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको होम टास्क के लिए दे रही हूँ, आपने इसे कॉपी में करना है, कंप्लीट करें अपने काम को, और जो आज टॉपिक पढ़ाया है वो आप उसको दोबारा से पढ़ें समझें। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम अगले लेसन में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।